हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो यह है सुबह का टाइम और मैं दे रही थी आयरा को नाश्ता। तो नाश्ते में मेरे बच्चों को, आप लोगों को पता है, ज़्यादातर पराठे पसंद होते हैं या ब्रेड। तो आज मैं उसको पराठे दे रही थी क्योंकि मैंने इंतज़ाम कर लिया था। तो आप लोगों को शायद जान के हैरानी होगी, तो हमारी मतलब दो लोगों की फैमिली है, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मतलब इस तरफ वाली। वैसे तो माशाल्लाह फैमिली में सभी हैं, मतलब इस वाले घर की बता रही हूँ। तो हमारे घर में जब भी आलू आते हैं 5 किलो ही आते हैं क्योंकि आलू का स्टॉक हमेशा मैं रखती हूँ, क्योंकि पराठे कभी भी बना देती हूँ और क्योंकि पापा को भी पसंद है बच्चों के और बच्चों को भी पसंद है, तो बस इसीलिए हम बना देते हैं पराठे। और इस बात को कैसे नकारा जाएगा कि मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी शायद इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खाती हूँ। या मेरे पास अगर ऑप्शन आए ना, मतलब चिकन मटन और कबाब शबाब बहुत सारी चीज़ों का, और एक जगह रखे हों, मतलब पूरा नॉन वेज और खूब लब लब और एक जगह रखे हों पराठे, तो मैं तो पराठे चूज़ करूँगी। यहाँ पर ये देखो, ये मतलब बच्चे इतना परेशान करते हैं, खाना बनाते बनाते भी आ गई है वो, और इसे डायपर लीक हो गया, इसे मैं नीचे से हाथ ही नहीं लगा रही, मैं बस ऊपर से इसे लिए हुए हूँ। तो मैं इसको ये बोली थी अभी आ रही हूँ, ठहर जाओ, मैं बस अब अपना नाश्ता बना रही थी। एक्चुअली मैंने आयरा को तो दे दिया था, मैं कहा अब मैं भी नाश्ता कर लूँ, तो लेकिन इतनी देर में हाय हाय हो जाती है। और आप सोचोगे कि आज मैं मतलब आधा तेल और आधे पराठे क्यों ले रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि घी ख़त्म हो रहा है मेरे घी के डब्बे में, घी ख़त्म हो रहा है और अभी मेरा निकालने का उतना ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा। और हाँ, बीच में हमारा फ्रिज भी ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से मलाई भी थोड़ा दिन डिस्टर्ब हुई है, तीन चार दिन मलाई भी डिस्टर्ब हुई है। जब तक मेरे वो जो डब्बे हैं जो आप लोगों ने देखे वो पूरे नहीं भर जाते भैया, मैं तो नहीं निकालती घी, क्योंकि मुझे घी निकालने में सबसे ज़्यादा मुझे कोई काम मुश्किल नहीं लगता। मलाई मतलब बाहर निकालना या उससे मक्खन निकालना या घी बनाना, कुछ भी, सब आसान है। सबसे ज़्यादा आफत आती है वो बर्तन धोने में, पता नहीं क्यों वो बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। मैं उसको एक दो दिन तो भिगा कर रखती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग बहुत आसानी से धो लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस बर्तन धोने के लिए। तो इसीलिए मैं ना पूरे अपने डब्बे भर लेती हूँ, और मैं 2 किलो जब मेरा हो जाता है ना प्रॉपर, लगता है कि अब इसमें 2 किलो घी निकलेगा, जो मेरा डब्बा है वो भर जाएगा, तब मैं फिर मलाई निकालती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा नाश्ता बन के हो गया रेडी और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और अंदर किन का नाश्ता होता है। मुझे आप लोग कमेंट भी करते हैं कि अभी हमें आपका नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, आप बड़ी वेराइटीज़ के साथ खाती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ देखो, मेरी जान आफत में डालने के लिए आ चुकी हैं, तो मैं इसे संभाल लेती हूँ और फिर करती हूँ नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल जुमजुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। बहुत सारे काम करने हैं, सुबह से ही काम कर रही हूँ, अभी अभी एक व्लॉग एडिट करके डाला, बड़ा मुश्किल काम होता है भैया, 2 घंटे लग गए मुझे इसमें लगे, तो बस ये सब चलता ही रहेगा। मैंने मशीन लगा ली है क्योंकि आयरा की ड्रेसेस वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, फिर वैसे भी लगानी थी तो मैंने लगा लिया। बच्चे नहीं नहाए, वो मुझे सुबह से चकमा दे रही है कि मैं नहा लूँगी। फिर मैंने भी यहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया है, देखा कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, ये बाहर वाला, ये यहाँ से ना नीचे से आवाज़ें आती हैं, तो मैं ये बंद कर देती हूँ क्योंकि बच्चों की शैतानी की, पापा जी की और पापा जी के उनकी कस्टमर्स की, तो सबकी आवाज़ आती है, तो मैं जब भी एडिटिंग करती हूँ बंद कर देती हूँ। पीछे से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मशीन चल रही है। बस बच्चों को बुलाते हैं, फिर आगे का व्लॉग शुरू करते हैं। काम भी साथ साथ चल रहे हैं, मस्ती भी चल रही है, फ़न भी चल रहा है, और आयरा की पढ़ाई भी साथ साथ चलेगी। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते और मैं फटाफट से बच्चों को बुला लेती हूँ। अरे भाई, छोटे छोटे बच्चों, हाँ आ जाओ, नाव नाव करो, सब बच्चे आए हैं। गोल वाले भी? किसमें क्या गोल वाला? अरे गोल वाला टब। अब बाबू अभी वो मौसम नहीं आया ना बेबी, सर्दी दे, सुनो पेपर आ रहे हैं और सर्दी बहुत हो रही है, चलो गर्मी आ जाएगी। लीबू को किस में नहाना है? लीबू की हालत देखो, लीबू तो मोगली की तरह लगने लगी। क्या नहीं कर रही? अच्छा तुम्हें पता है तुम्हें सर्दी हो जाएगी या नहीं होगी, ये तुम्हारे हाथ में। चलो चलो सब बच्चे बाथरूम की तरफ। यहाँ मेरी साफ सफाइयाँ तो हो चुकी हैं, लेकिन ये कपड़े यहाँ पर धुल रहे हैं, ठीक है। ये गंदे कपड़ों में क्यों पड़ गई जाके? चलो सब बच्चे अब नहाओ फटाफट से। लीबू नहीं नहीं करो, हाँ नहीं नहीं करिए, हाँ हाँ दूसरा वाला, इनको दूसरा वाला फ़ोन चाहिए, बस इनकी दुनिया में जिंदगी में फ़ोन ही। ओए महारानी, लेटना नहीं है, नहीं नहीं करनी है,
गई हैं टीनू मीनू तैयार। चलो हाय कर दो। वो नूजी आई है छोनू की, पहले नूजी छप कराओ। अब हाय करो, हाय करो, अस्सलाम वालेकुम कर लो। मूड खराब है, आप कर लो अस्सलाम वालेकुम। इतने डंडे मारूंगे, इतने डंडे मारूंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, काम वाली भाई बनने के लिए तैयार हो? हाँ। पढ़ाई नहीं करनी? ठीक हाँ। है तो चलो कपड़े धो अब। ठीक है, कपड़े धुलवाऊंगी, सारी मेहनत करवाऊंगी, है ना लिबू? आज दोनों येलो येलो हो रही हैं, दोनों परियां येलो येलो। भाग गई लिबू तो गंदी है। चलो ठीक है, तो फिर अब ये लोग तैयार हो गए हैं, है ना? अब मैं उठाऊंगा अपना टंडीरा, ये रहा मेरा टंडीरा, ये है, ये है, ये है। यहाँ पर आज मैंने तेल ज़्यादा ही पका लिया, गरम कर लिया, है ना? चलो तो फिर और काम कर लेते भैया। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरी। मुझे आज से आना नहीं था क्योंकि मैंने मम्मी को, मैं कल ही बोल के गई थी कि मैं नहीं आऊँगी, रीज़न आप लोगों को बताया रहा कि एग्ज़ाम से। लेकिन अब बाजी आई हुई है, मेरा ना मन बड़ा यहाँ पड़ा रहता, तो ऐसी मम्मी ने फ़ोन करा कि क्या बनाएं क्या बनाएं। एक्चुअली बाजी ने कुछ कहा था स्पेशल, वो मतलब नहीं मिल पाया है, तो इस वजह से फिर कुछ ऑप्शन नहीं रहा। मैंने कहा चलो फिर मैं आती हूँ, फिर हम खंडे ही बनाएंगे, खंडे ही सभी को पसंद है, और घर में ऐसी कोई खास सब्ज़ी थी भी नहीं, तो मैंने कहा मैं आती हूँ, मतलब मुझे भी बहाना चाहिए सबके पास आने का। तो फिर हालांकि बुक्स वगैरह ले आई, देखती हूँ यहाँ पर कितना पड़ती है, और मैं बनाने जा रही हूँ खंडे। खंडे बहुत ऑसम रेसिपी होती है, आप लोगों को शायद मैंने कभी दिखाई भी नहीं है, बनाई भी काफ़ी सालों से नहीं बनाई, लेकिन पसंद सबको आते हैं। घर में अगर कोई सब्ज़ी ना हो तो उसे आप आसानी से बना सकते हो। तो कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है, सब दिखा दूँगी, और अलग से रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, मम्मी को बहुत पसंद आती है। तो खंडे का एक किस्सा आपको फटाफट से सुना देती हूँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। अरे मम्मी आपका फ़ोन बज रहा, फ़ोन उठाओ। ये मैंने दो कटोरी बेसन ले लिया है, ठीक है? बेसन नहीं, दो कटोरी बहुत है, खा लो, वैसे भी खा लोगे। चलो ठीक है, तो फिर मैं और ले लेती हूँ। मुझे क्या भैया आपको और चाहिए, तो मैं और ले लूँगी, पूरा पैकेट रखा पड़ा है। मैं पहले से डाल, एक हाथ से नहीं रलता, पानी निकलता था। वो बशराबी तो पीते थे ना, वो तो अपनी कान पर उन्होंने बशराबी पीने से खराब कर लिया। तो फिर मैंने मामा तीन कटोरी ले लिया, अब तो बस बहुत है। अच्छा बढ़िया, ये ना खाली खाने में भी बहुत अच्छी होती है, और सब्जी तो खैर A1 ये ना, वो भी बोलते हैं वेजिटेरियन फिश, ये बिल्कुल फिश की तरह ही लगती है, इसकी सुगंध भी फिश जैसी आती है, और वेजिटेरियन फिश बोलते हैं। और वैसे गांव की भाषा में, देहात की भाषा में इसे बोलते हैं खंडाई। मसाला बन जाता है फिर डालते हैं। हाँ जी, मैं नहीं कह रही मसाला मेरा A1 बना भाई साहब, मतलब सब्जी क्या होने वाली है। ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, आप देख रहे हैं ऊपर अच्छा खासा तार आ गया है, बस और ज़्यादा इसे भुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सारे गामा पानी, ठीक बात? अभी और डलेगा, इतने से पानी से कुछ नहीं होगा, अभी और लाते लो। ओ लिबा ने नाश्ता पानी कर लिया, लिबा अपने बर्तन देने आई, जाओ पप्पा के पास चले जाओ। ये पानी इसमें डाल दिया है। हाँ जी बेटा, हाँ पप्पा है नीचे, जाओ अभी देखिए। बस अब ये पानी को पकने दो, बस और पानी नहीं डालना हमें, है ना? इसे अच्छे से पकने देते हैं, ये आ जाएगी, ये नहीं आएगी, दूसरी ला। तो बस अब मैं इसके ऊपर प्लेट डालूँ, ठीक है? इसमें उबाल आने दो, इसे थोड़ा सा पकने दो। अरे ओ अच्छा, आपको कहाँ जाना है? पापा है नीचे, पापा के पास चला जा। छूश नूजी आ रही, नूजी का कपड़ा का है, नूजी का कपड़ा का है, छोनू का ढूंढते।
रुक जाओ, नोजी का कपड़ा, नोजी का कपड़ा, ये रहा छोनू का कपड़ा, ये रहा। अब पापा के पास जाना, शूज पहनाओ। चलो शूज पहना देते हैं भैया जी को, अपने बाबू को चूच पहना देते हैं, है ना। हाँ मामा को पकड़ो, मामा को पकड़ लो। अच्छा मैं बहुत प्यारा वाला प्यार मिला, इतना प्यार कैसे आ गया अपनी मम्मी पे। चलो शूज पहना देते हैं, है ना। शूज पहना लो, पापा जाएगी। बताओ हाय गाइस को, दादी एलिफेंट लाई है मेले में से, है ना, मेले में से एलिफेंट लाई है। ओ ओ एलिफेंट आ गया। बस बस बस, ओवर एक्टिंग बहुत हो गई। पहले भाई ओवर एक्टिंग करने शुरू हो जाती है। एलिफेंट से मुझे क्यों मारा जा रहा है। चलो तो मैं जल्दी से शूज़ पहनाऊंगी। पापा पहुँच जाओ, आप आराम से जाओ, आराम से, गिर मत जाना। अपना कपड़ा ले जाओ नोजी का, फिर नोजी आएगी तो साफ़ कर लेना। जाओ चलो ऐसे ही जाओ, फिर नीचे चला गया तो नीचे का ही हो जाएगा, है ना। तो बस जी यहाँ पर मैंने जो पानी बॉईल करने के लिए रखा था, ये देखिए आप लोग कितने अच्छे से बॉईल भी हो गया है और कलर भी कितना अच्छा आया है। अच्छा कई बार ना ऐसा होता है कि जैसे कैमरे की जो लाइट होती है ना, जो पीछे की हमारी फ्लैश लाइट होती है, उससे कलर थोड़ा सा फीकापन सा आता है, और अगर वो उस लाइट को बंद कर दो तो अंधेरापन सा आता है। तो उससे आप थोड़ा सा वो मतलब अंदाज़ा लगा लें कि जब ज़्यादा रोशनी होती है तो थोड़ा फीकापन आ जाता है, वरना इसका कलर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो खैर मतलब टेस्ट में तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग खुद ट्राई करना। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे ट्राई कर लें, आप रेसिपी देना था। इंशाल्लाह मैं दे दूँगी, मैं दे दूँगी। ऐसा होता है ना कि जैसे कल का वादा कर लेती हूँ तो फिर परसों दे देती हूँ, बट ये आप लोग मानेंगे कि मैं देती तो हूँ ना, है ना, ऐसे नहीं करती ना, झोलबाजी नहीं करती। हाँ पता है कल कर ली थी कि रेसिपी ही दे दी थी, ब्लॉग नहीं आया था, बट अभी ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। आप लोग के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, और धीरे धीरे सब शेयर ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस उस वजह से थोड़ा सा यू नो हो जाता है, और बच्चों के साथ तो हो ही जाती हैं चीज़ें इधर उधर। तो बस यहाँ पर ना मैंने कुछ वो कतलियाँ जो हैं वो बचा ली हैं, वो ऐसे ही खाएंगे यू नो। और मम्मी ने इतनी सारी बनवा ली थी कि वो काफ़ी बची थी, तो फिर मैंने हाफ तो उठा के ही रख दी। मतलब ये हाफ प्लेट की है, हमने दो प्लेट में की थी, वो मैं आपको जब रेसिपी दूंगी ना तो आप उसमें देखना, दो प्लेटों में थी, तो एक प्लेट की डाली है उसमें से भी बची है, और अभी दूसरी प्लेट की बाकी है। तो फिर वो सुबह मसाला भून के ना फिर ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी और बन जाएगी, जिसे आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, और अगर आप कुछ दिन बाद बनाना चाहें फ्रिज में, मतलब एक हफ्ते बाद भी आप आराम से बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी, वेजिटेरियन फिश बोल दो इसे या खंडा ही बोल दो। तो आप सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं खाऊंगी खाना, और खाना खाने के साथ साथ अपनी एक और ड्यूटी निभानी है, और वो क्या आप खुद देख लो। SHLP SHLP SHIP Yeah!